नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इधर मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के भागों में एक या दो जगहों पर भारी बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा के दबाव के क्षेत्र और नमी से बिहार और झारखंड में मानसून जो है प्रवेश करने के बाद उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहा है। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दक्षिणी बिहार में उत्तर पछिया और उत्तर बिहार में पूर्वैया हवा चल रही है। दरअसल झारखंड के सटे बिहार के इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सटे बिहार के पश्चिम क्षेत्रों में विशेष चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से बिहार में मानसून अति सक्रिय बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी तक भारी से भारी बारिश का केंद्र बिहार में बना हुआ है। अब ऐसी दशाएं दक्षिण बिहार में बनने के आसार हैं। इधर पूरे बिहार के 24 से अधिक जिलों में के मध्य में भारी बारिश हुई है। इसी वजह से पूरे प्रदेश में दिन और रात के तापमान में भी कमी आई है। IMD के सूत्रों के माने तो मेघ गर्जन और ठनका की स्थिति अभी अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा गया है कि 21 जून तक उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों के लिए सामान्य से अधिक बारिश होगी। यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज शामिल है। इसके अलावा उत्तर मध्य बिहार के जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 19 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर शामिल है। इसी तरह से उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार, दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार में भी कहीं कहीं सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पटना सहित 12 जिलों में 17 जून तक रेड अलर्ट और 18 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन अब मौसमी सिस्टम का क्षेत्र वैशाली, बेगूसराय और बक्सर की तरफ शिफ्ट हो गया है। इससे 17 जून को मौसम सामान्य रहा। पटना में बादल छाने के बाद भी धूप निकली थी। इधर पिछले 24 घंटों में गहरी, तरारी और मोहनिया में 120 मिलीमीटर, पालेमगंज, चटिया, नवादा में 110 मिलीमीटर, हिसुआ, जंदाहा, कौवाकोल में 100 मिलीमीटर, नरहट, मखदुमपुर, हलसी, टेकारी में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पटना में दोपहर के बाद से धूप खिली रही है। इस बार मानसून सक्रिय होने के बाद हो रही बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि तटबंधों के निरीक्षण का कार्य जारी है। यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार ने बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तो ये थी मानसून सक्रिय होने के बाद बारिश को लेकर जानकारी जो कि मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।